नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। ये आपका टॉपिक है मनरेगा के प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है, उससे संबंधित आर्टिकल है आपका मनरेगा से संबंधित। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर किस कारण ये अभी चर्चा में बना हुआ है। एक परिचय देख लेंगे वो मनरेगा योजना क्या है। आजकल आप देख रहे हैं जब से कोरोना वायरस आया हुआ है, जब से मनरेगा कुछ ज्यादा ही चर्चा में आई हुई है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। सरकारी प्रयास क्या है, सुझाव क्या है, अगर आपकी तरफ से भी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चुनौतियां क्या है और राज्यों का प्रदर्शन क्या है, इसमें आगे की राय क्या हो सकती है, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। इसके बारे में हम लोग जानने से पहले आपको बता दें कि आप लोग घर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए और खुद स्वस्थ रहिए, क्योंकि आप अगर कहीं से संक्रमित होते हैं तो आप तो संक्रमित होंगे, साथ में उस परिवार को भी ले डूबेंगे जिसकी कोई गलती नहीं है। इसलिए कृपया करके घर में ही रहिए, जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक अपनी सुरक्षा खुद रखनी है आपको। ना तो सरकार आ रही है ना और कोई आपकी सुरक्षा के लिए आ रहा है। याद रखिए अभी टोटल केस हो चुके हैं आपके 3,43,091 केस अभी आ चुके हैं। इसमें से आपके रिकवर यानी कि रिकवर हो चुके हैं 1,80,000 के करीब, ठीक है। 9,900 आपकी डेथ हो चुकी है कम से, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि अब रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप ख्याल रखिए और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक आपको अपनी सुरक्षा रखनी है किसी भी कारण, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि वैक्सीन लॉकडाउन खुल जाए या ना खुले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद आप जाइए घूमिए और अपने परिवार को कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो वापस हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। चर्चा में क्यों बना हुआ है, कोरोना महामारी के फैलाव और लॉकडाउन की लंबी अवधियों के बीच भारत में लगभग 8 करोड़ प्रवासी श्रमिक अपने गांव में लौट रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो लोग अभी गांव से शहरों की ओर जाते थे, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, सूरत हो गया, गुजरात, इस तरह के शहरों में, तो अब देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से वो भी अपने गांव लौट रहे हैं, तो उनके रोजगार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। तो इसीलिए आपके कोरोना इसकी मनरेगा की बात की जा रही है। कोरोना संकट के बीच आने वाले दिनों के लिए श्रम शक्ति में सुधार से जुड़े सवाल भी उठ रहे हैं। संघीय ढांचे भारत के लिए विकास कार्यक्रमों और नीतियों पर नए सिरे से चिंतन और क्रियान्वयन की जरूरत भी आ पड़ी है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि यह मनरेगा के पुनरुद्धार के लिए बेहतर समय है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के लिए अतिरिक्त यानी कि आपका 40,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। इससे घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने में मदद मिलेगी। यानी कि जो अतिरिक्त राशि दे रही है सरकार, ये बजट से अलग है, आपकी बजट में आपकी अलग थी और ये बजट से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं तो उन्हें रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, ठीक है। यूपी ने आपने देखा है, यूपी सरकार ने कहा है कि हम जितने भी हमारे यहाँ के मजदूर लौटे हैं उनके लिए हम रोजगार अपने ही राज्य में उपलब्ध कराएंगे। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान अन्य योजनाओं के साथ मनरेगा का भी कार्य पूरी तरह ठप पड़ गया है। मजदूरी की माली हालत को देखते हुए और लॉकडाउन की अवधि में बढ़ोतरी के कारण केंद्र सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत तालाब बनाना, कुएं खोदना, बागवानी से जुड़ी गतिविधियां आदि के कार्य धीरे धीरे शुरू करवाए हैं। साथ ही सरकार का जोर महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा के तहत निजी संपत्ति को बढ़ावा देने पर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा की बकाया देनदारी पूरी करना शुरू कर रही है। गौरतलब है कि इस वित्त वर्ष में मनरेगा में 8 करोड़ लोग पंजीकृत हुए हैं। श्रम मंत्रालय ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नरों को सुझाव दिया कि वो डीबीटी के जरिए निर्माण क्षेत्र के कामगारों के खातों में
उस सेस फंड से जो लेबर वेलफेयर बोर्ड ने इकट्ठा किया था खर्च करें। इस सेस फंड में आपका 52,000 करोड़ इकट्ठा है। करीब 3 से 5 करोड़ निर्माण क्षेत्र में कामगार इन बोर्डों में रजिस्टर्ड हैं। क्या है? रजिस्टर्ड है, ठीक है। जिन इलाकों में कोविड-19 संक्रमण यानी कि कोरोना वायरस के नए मामले कम आ रहे हैं या फिर जहां अब कोरोना पर अपेक्षाकृत काबू पा लिया गया, उन क्षेत्रों में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विभिन्न प्रकार विकास कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं आपकी हालत ठीक है क्योंकि आप सक्सेस परिवार से, समझ रहे हैं? आप उनके बारे में सोचिए जो डेली कमाते थे और डेली खाते थे, उनकी हालत खस्ता हो चुकी है। कोई कितने दिन घर में बैठकर खा सकता है, आप ही सोचिए किसके पास इतना पैसा होगा। अरे कई सक्सेस परिवारों की भी स्थिति खराब हो चुकी है, समझ रहे हैं? खस्ता हालत हो चुकी है, तो वो तो बेचारे गरीब हैं। मनरेगा योजना के बारे में जान लीजिए। मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इससे पूर्व इस योजना को आप लोग राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा के नाम से जानते थे, तो याद रखना इससे पहले आप किस नाम से जानते थे? नरेगा से। लेकिन आप किस नाम से जानते हैं? मनरेगा से। केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2005 को की थी। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत रखा गया था। इस योजना को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 31 दिसंबर 2009 को इस योजना के नाम में परिवर्तन करके इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कर दिया। सीधा सा मतलब है कि 2 अक्टूबर 2005 को जब आपकी ये योजना लागू की गई उस समय इसका नाम नरेगा था, लेकिन 31 दिसंबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा योजना में ग्रामीण लोगों को अपने परिवेश में ही रोजगार प्राप्त हो जाता है यानी कि अपने ही क्षेत्र में। केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 100 कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी है यानी कि एक व्यक्ति अपने 100 दिन एक साल में आपके 365 में दिन में आपका 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सकता है इस योजना के तहत। इस योजना में मजदूरी का भुगतान बैंक या फिर डाकघर की बचत खातों के माध्यम से किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर नगद भुगतान की व्यवस्था विशेष अनुमति लेकर की जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्य कराए जाते हैं जिनमें से प्रमुख कार्य इस प्रकार है आपके जल संरक्षण, सूखे की रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, भूमि विकास, विभिन्न तरह के आवास निर्माण, लघु सिंचाई, बागवानी, ग्राम संपर्क मार्ग निर्माण, कोई भी ऐसा कार्य जिसे केंद्र सरकार राज्य सरकारों से सलाह लेकर अधिसूचित करती है, इसके तहत यही काम कराए जाते हैं। और भी शामिल हैं, अन्य भी कार्य हो सकते हैं। इस क्षेत्र में सरकारी प्रयास क्या रहे हैं अभी तक? भारत में रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण से संबंधित कई चुनौतियां व्याप्त हैं। भारत पर ऐसे आरोप लगते हैं कि यहाँ रक्षा हथियारों की खरीद प्रक्रिया काफी धीमी रही है जो उत्पादकों को हतोत्साहित करती है। रक्षा क्षेत्र को भारतीय कंपनियों जिन हथियारों या फिर अन्य सामग्रियों का निर्माण करती उनमें उन्नत प्रौद्योगिकी सीमित तौर पर उपस्थित होती है जिससे भी विश्व के अन्य अत्याधुनिक हथियारों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। इसलिए भारतीय सेना स्वदेशी हथियारों की खरीद पर कम बल देती है। भारत सरकार ऐसी कोई भी नीति को निर्मित नहीं करती जिससे कि स्वदेशी कंपनियों को पता चल सके कि आने वाले समय में सरकार किस तरह वो कितने हथियारों या अन्य रक्षा सामग्री की खरीद करेगी। ऐसा न करने से भारतीय रक्षा कंपनियां पहले से तैयारी नहीं कर पाती। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO भारत सरकार का सलाहकार विकासकर्ता और मूल्यांकन करता रक्षा संबंध क्षेत्र से संबंधित। जब कोई निजी कंपनी सरकार के लिए रक्षा सामग्री का उत्पादन करती है तो DRDO ही उसका मूल्यांकन करता है, लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि DRDO निजी कंपनी एक ही प्रकार के उत्पादन बनाती है। स्थिति में DRDO का निजी कंपनी के परिप्रेक्ष्य में हितों का टकराव हो सकता है जो निजी क्षेत्र के लिए घातक है।
मुझे एक समझ में नहीं आता है, धैर्य आईएएस का ये आपके आर्टिकल देख रहा हूँ लोग, इसमें टॉपिक से हटकर भी कुछ चीजें डाल दी गई है। अब देखिए आप लोग, हम लोग मनरेगा पर है और इसमें डाल क्या दिया गया है, रक्षा क्षेत्र को डाल दिया गया है। चलिए हटाइए जो भी है, देख लीजिए, रक्षा क्षेत्र भी जान लीजिए आप लोग। इस मामले में मैं कहता हूँ कि दृष्टि का जो भी आर्टिकल निकालता है एडिटोरियल बहुत बढ़िया रहता है। मैं पर्टिकुलर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है सरकार के इस क्षेत्र में प्रयास क्या है। अब हम लोग वापसी आए अपने मेन टॉपिक पर, COVID-19 कंटेनमेंट जोन में रहे लोगों के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप इस्तेमाल करना जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। सभी संस्थानों सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी यह सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारियों द्वारा ऐप का इस्तेमाल किया जाए। या फिर आप लोग कह सकते हैं कि समझ रहे हैं कि हो सकता है DIS एक टॉपिक में आपको कई तरह की जानकारी देने में सक्षम हो, तो मजा लीजिए बस। आप लोग कोई काम भी किया करिए उसे मजे के साथ किया करिएगा। इसमें भारत सरकार के सुझाव क्या हैं? भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग ने COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर राज्य सरकारों के साथ करीबी सहयोग में कई कदम उठाए। इसी काम में क्रम में भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी को 1 अप्रैल 2020 से संशोधित करने का निर्णय लिया। मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की औसत राष्ट्रीय वृद्धि की गई। अब तक सरकार मनरेगा मजदूरों को रोज की मजदूरी के तौर पर 182 रुपये देती थी, लेकिन जो अब बढ़कर आपकी 202 रुपये हो गई, यानी कि प्रतिदिन आपको 202 रुपये दिए जाएंगे। मनरेगा के तहत मुख्य तौर पर व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे सीधे तौर पर SC ST और घरेलू महिलाओं के अलावा लघु एवं सीमांत किसान तथा अन्य गरीब परिवार लाभान्वित होते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ साथ जिला अधिकारियों के भी परामर्श एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी कि लॉकडाउन की अवधि में दिशा निर्देशों का उल्लंघन ना होने पाए और सामाजिक दूरी के मानदंडों का गंभीरतापूर्वक पालन किया जाए। COVID-19 के प्रसार को देखते हुए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कैसी यथोचित आपसी दूरी, मुंह पर मास्क और अन्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए मनरेगा के तहत काम किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि इन कार्यों में प्राथमिकता सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़े कामों को ही दी जाएगी। इसके अतिरिक्त सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न केंद्र और राज्य स्तरीय योजनाएं भी कार्यान्वित की जा सकेंगी, उनका समायोजन मनरेगा के तहत होगा। अब बात करते हैं आखिर इस क्षेत्र में चुनौतियां क्या क्या हैं, उन्हें भी देख लीजिए आप लोग। 13 मई तक 14 से 62 लाख व्यक्ति प्रतिदिन काम के लिए उत्पन्न हुआ। साथ ही मनरेगा के तहत 10,000 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। इसके अतिरिक्त 2 से 33 करोड़ मनरेगा का काम मांगने वालों को 13 मई तक काम दिया गया। सरकार का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले 40 से 50% ज्यादा व्यक्ति मनरेगा के तहत लाभान्वित किया गया। यानी कि सीधा सा मतलब हो गया क्या कि सरकार अपनी कमियों को झाड़ रही है, अपनी कमियां कभी बताती नहीं है। उपयुक्त आंकड़े तो सरकार की वेबसाइट से हमें मेल खाते हैं, लेकिन 40 से 50% ज्यादा लोग मनरेगा के तहत लाभ नामांकित किए गए, ये बात उनकी ये वेबसाइट पर नहीं दिखती हमें। यानी कि सरकार जो कह रही है 40 से 50% ज्यादा लोग मनरेगा के तहत नामांकित किए गए, ये बात उनकी वेबसाइट पर भी नहीं दिखती हमें देखने को। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने तक तकरीबन 18 करोड़ 19 लाख व्यक्ति प्रतिदिन काम हुआ था, जो अप्रैल मई में 13 करोड़ 60 लाख व्यक्ति प्रतिदिन रह गए। पिछले 5 साल से मनरेगा का बजट लगभग एक सा ही रहा है, औसत देखें तो यह लगभग 60,000 करोड़
रहा है। अगर सरकार ये कह रही है कि अब तक 10,000 करोड़ खर्च हो गए तो ये कोई नई सूचना नहीं है। पिछले साल के बकाया चुकाने और नए साल के काम का पैसा देने में खर्च तो होना ही था। भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल के महीने में पिछले 5 सालों में सबसे कम काम हुआ है। साल 2015 को छोड़ दिया जाए तो पिछले 5 सालों में सबसे कम है। सरकारी दावे के बिल्कुल उलट भी है। मनरेगा के कामों में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का अनिवार्य बना दिया गया, लेकिन जमीन पर इसके पालन में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार देने का काम ग्राम सभाओं से पहले पास करना होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ग्राम सभाएं बैठ नहीं पा रही, उससे इस वजह से काम की मांग ही नहीं हो पा रही है। सरकारी आदेशों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और बार बार हाथ धोने की बात तो की गई है, लेकिन इसको ग्राम पंचायतों के स्तर पर अमल में कैसे लाया जाए यह भी आपकी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पानी की वैसे भी कमी है। और कहां अभी भी आप देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं अभी, ठीक है, तो आप वहां की हकीकत जान सकते हैं। अगर राज्यों के प्रदर्शन की बात करें इसमें, तो सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक मई के महीने में मनरेगा के तहत काम देने की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। सबसे सही स्थिति आपकी छत्तीसगढ़ को देखने को मिली है। सबसे खराब प्रदर्शन राज्यों की बात करें तो तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली है। अरुणाचल प्रदेश में तो मई में एक भी रोजगार नहीं दिया गया इसके तहत। उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि ऐसे राज्य हैं जिनमें रोजगार मिलने की शुरुआत हुई है, लेकिन उनकी दर बहुत कम है। मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा मजदूरी दर केरल सरकार देती है और सबसे कम राजस्थान सरकार देती है आपकी। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? साल 2017 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में छपे एक लेख के मुताबिक मनरेगा ने ग्रामीण भारत में लोगों की कमाई पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिसकी वजह से गरीबी उन्मूलन में भी हमें मदद मिली है। सरकार ना केवल उन लोगों को काम मुहैया कराए जो मजदूर मनरेगा साइट पर काम करने के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि उन्हें नगद भुगतान की भी व्यवस्था कराए। इसके अतिरिक्त सरकार मनरेगा मजदूरों के लिए साथ साथ प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का भी हल मनरेगा के में काम दे कर सकती है। जो प्रवासी मजदूर अभी घर लौटे हैं उनके मनरेगा कार्ड बनवा कर उन्हें भी काम दिया जाएगा। COVID-19 में से उत्पन्न हुई वर्तमान परिस्थितियों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे न केवल मजदूरों को काम और पैसा मिलेगा, बल्कि सामुदायिक और स्थायी परिसंपत्तियों का भी निर्माण होगा, जिनका सीधा संबंध कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली और रेशम कीट पालन आदि से है। इस महामारी में मजदूरों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए मनरेगा को रामबाण औषधि की तरह देखा जा सकता है। तो ये था आपका मनरेगा की कहानी। चलिए पढ़ते रहिए, आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और साथ में अपने परिवार का भी, ठीक है।